ये लॉजिक हमने एक अलार्म सिस्टम जनरेट करने के लिए बनाया है। इसमें देखिए, यदि कोई भी एक स्टेज किसी भी एक प्रोसेस में दो स्प्रिंग पंप चल रहे हैं और दोनों का ही एक ही आउटपुट है, मीन्स वो एज ए मेन और स्टैंड बाई काम कर रहे हैं, है ना, तो उस केस में कैसे हम उनकी कंडीशंस को पकड़ते हुए इंटरलॉक करेंगे कि यदि पंप ऑन तो प्रेशर स्विच ऑन और पंप ऑफ तो प्रेशर स्विच ऑफ, है ना। ये जो हेल्दी कंडीशन है, इसके विपरीत अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन जनरेट होती है कि पंप ऑन है और प्रेशर स्विच ऑफ हो गया, या फिर पंप ऑफ है और प्रेशर स्विच ऑन ही रह गया, उसका आउटपुट शॉर्ट हो गया, है ना, तो इस केस में हमें अलार्म जनरेट होना चाहिए, हूटर जनरेट होना चाहिए, है ना, या फिर हमारी प्रोसेस इंटरलॉक होनी चाहिए ताकि हमें क्वालिटी डिफेक्ट्स ना रहें या फिर कोई और मेजर ब्रेकडाउंस ना हो। तो उस केस में हमने ये लॉजिक कैसे बनाया है कि Y385 इसकी दोनों की कंडीशन हमने पकड़ी है, Y385 और Y386 की, कि यदि ये पंप ऑन है तो प्रेशर स्विच ऑन है तो आपका मेमोरी बिट M133 ये होल्ड रहेगा, और यदि ये दोनों कंडीशन मैच नहीं करती हैं दोनों ही पंपों की, तो ये अलार्म बिट अनहोल्ड हो जाएगा, और जिससे हमारा ये M133 होल्ड होने से आपका एक टाइमर ऑन होगा, और टाइमर के होल्ड होते ही हमारी अलार्म जनरेशन से हूटर अब बीप करने लगेगा और प्रोसेस हमारा इंटरलॉक हो जाएगा, है ना। और तो यहाँ पे दो पंप होने की वजह से हमने क्या करना पड़ा कि इसमें दोनों में इंटरलॉकिंग करनी पड़ी, क्योंकि एक ही प्रोसेस के दो पंप हैं तो एक समय पे एक ही चलेगा, या तो मेन या फिर स्टैंड बाई, है ना। तो दोनों में कोई एक पंप जब चले तो उस केस में X3D6 जो प्रेशर स्विच है तो वो जो काम करेगा माल फंक्शनिंग के लिए वो उस पर्टिकुलर पंप के लिए ही काम करेगा, या तो X385 या X386। आप देखिए दोनों का ही हमने इंटरलॉक बिट दोनों के बीच में डाल रखा है, ये NC कॉन्टैक्ट है X386 का, है ना, जो कि हमने Y385 के लिए डाला है, और ये X385 का NC कॉन्टैक्ट है इंटरलॉकिंग कॉन्टैक्ट जो हमने Y386 के लिए डाला है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा अलार्म सिस्टम काम कर रहा है।